Hey everyone, welcome back to my channel and you are watching the beauty secret. आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसे ड्रिंक बताने वाली हूँ जो आपकी ब्यूटी को अंदर और बाहर दोनों से निखारेगा। इसको कैसे बनाना है, कीप वॉचिंग। जो हमारी एजिंग प्रोसेस होता है वो हम रोक नहीं सकते हैं क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं होता है, बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इस प्रोसेस को स्लो डाउन जरूर कर देती हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों के साथ नेचुरल DIYs, नेचुरल रेमेडीज शेयर की हैं। वो रेमेडीज बहुत इफेक्टिव भी हैं। जब हम इस नेचुरल चीज को लगाने के साथ साथ इनको खाते भी हैं, तो इनका असर हमारी स्किन पर दुगना हो जाता है। मैं जो ड्रिंक आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ये कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के कॉम्बिनेशन से बनाऊंगी, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट, माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी स्किन और हमारे बालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं और बहुत जरूरी भी होते हैं। लेकिन हम इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को उतनी वैल्यू नहीं देते हैं जितना हम फास्ट फूड को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो अब बातें बहुत हो गई, चलिए देखते हैं कि इस ड्रिंक को कैसे बनाना है। इस ड्रिंक को मैं 2 फ्रूट्स और 5 वेजिटेबल्स की हेल्प से बनाऊंगी। 2 फ्रूट्स में आप कोई भी सीजनल फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे तरबूज, पपाया, पाइनएप्पल। मैं इसमें पपाया डाल रही हूँ। पपाया में बहुत सारे मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्टिव रखता है। पपाया इतना पावरफुल होता है गाइस कि आयुर्वेद में पपाया की पत्ती, बीज, जड़ और फल सबको मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। दूसरा, हम इसमें ऐड करेंगे नींबू। नींबू एक पावरफुल ब्यूटी इंग्रेडिएंट माना जाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी और मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, ये कोलेजन प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। मैं आधा नींबू इसमें ऐड करूंगी। अगर आपको नींबू नहीं पसंद है, आपको ये बहुत खट्टा लगता है, तो आप इसकी जगह ऑरेंज भी डाल सकते हैं। इसके बाद मैं इसमें छोटा सा टुकड़ा क्यूक्यूम्बर यानी कि खीरे का ऐड कर रही हूँ। क्यूक्यूम्बर में 90% वाटर होता है, ये हमारी स्किन, हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने में बहुत हेल्प करता है। मैं इसमें छिलके के साथ डाल रही हूँ क्योंकि इसके छिलके में सिलिका पाया जाता है और ये हमारी स्किन को सैगी होने से बचाता है, स्किन को लॉन्ग टाइम तक एज फ्री रखता है। इसलिए आप जब भी खीरा खाएं, इसके छिलके के साथ खाएं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कैरेट यानी कि गाजर। गाजर में बीटा कैरोटीन होता है जो स्किन को प्लम्प करता है। इसमें मौजूद विटामिन ए हमारी स्किन के टिश्यू को रिपेयर करता है। इसके बाद मैं इसमें डालूंगी बीटरूट यानी कि चुकंदर। चुकंदर को ब्लड प्यूरिफायर कहा जाता है, यानी कि हमारे खून को साफ करता है, हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक को साफ करता है, स्किन को इवन टोन करता है और स्किन पर एक बहुत अच्छा नेचुरल ग्लो लेकर आता है। आप चाहें तो इसका जूस निकाल कर भी इसको पी सकते हैं, पर अगर आप इसे एज अ स्मूदी की तरह पियेंगे तो इसका ज्यादा फायदा होगा। अब मैं इसमें डालूंगी पालक। आपको अपनी ड्रिंक में कोई भी एक पत्ते वाली हरी सब्जी डालनी है, कोई भी लीफी वेजिटेबल आप इसमें डाल सकते हैं। मैं पालक इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि पालक में रिच ऑफ आयरन होता है। फीमेल्स में आयरन की डिफिशियंसीज बहुत ज्यादा होती है, तो ये हमारी बॉडी में आयरन की कमी को दूर करता है, इसलिए मैं पालक डाल रही हूँ। आप कोई भी पत्ते वाली सब्जी इसमें डाल सकते हैं। अब मैं इसमें छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालूंगी। आप इसको बहुत छोटे छोटे से पीसेस इसके डालिएगा क्योंकि अदरक पीसने में थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसके छोटे छोटे अगर टुकड़े होंगे तो ये इजीली इसमें ग्राइंड हो जाएगा, पिस जाएगा। अदरक जो है ना गाइस, वो एक एंटी एजिंग की तरह काम करता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ये स्किन की इलास्टिसिटी को होल्ड करके रखता है। तो इस ड्रिंक में आप अदरक जरूर ऐड कीजिएगा। आपको ज्यादा अदरक का टेस्ट पसंद नहीं है, आप थोड़ा सा ऐड कीजिए, पर जरूर ऐड कीजिएगा। 1 फ्रूट मैंने पपाया यूज किया था और 2 फ्रूट मैं इसमें एप्पल यूज करूंगी। आप इसकी जगह कोई और भी फ्रूट यूज कर सकते हैं। एज आई सेड, आप इसकी जगह पेयर यूज कर सकते हैं, अमरूद का यूज कर सकते हैं, या जो भी सीजनल फ्रूट जो आपको पसंद है आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होती हैं वो ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंडर में इसको डालूंगी और अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। ये देखिए, हमारी ड्रिंक बनकर रेडी हो गई है, हमारी स्मूदी बनकर रेडी हो गई है। ये ड्रिंक रिच ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, ये सारे आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे और ये आपकी स्किन को यूथफुल बनाएंगे। आपको आपकी स्किन पर एक ऑब्वियस चेंज नजर आएगा।
गाइज ऐसा हो सकता है कि इसको पीने के बाद आपकी यूरिन का कलर या स्टूल का कलर थोड़ा चेंज हो जाए, पर घबराने वाली कोई बात नहीं है, इसमें बहुत सारे नेचुरल कलर्स हैं। अब मैं बताती हूँ कि इसको कैसे पीना है। तो अगर आप इसे सुबह सुबह खाली पेट चाय कॉफी लेने से पहले पीते हैं तो नथिंग लाइक इट, ये उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। पर आपकी सुबह चाय कॉफी से ही शुरू होती है तो कोई बात नहीं, आप दिन में इसे कभी भी पी सकते हैं। आपको इसको खाना खाने से 1-2 घंटे के बाद पीना है और इसको पीने के 1-2 घंटे के बाद ही आपको कुछ और खाना है, डेली आपको इसको पीना है। ये फ्रूट और वेजिटेबल हमारे अंदर डायरेक्टली जा रहे हैं गाइस, तो सारा फाइबर भी हमारे पेट के अंदर जा रहा है। मैं आपको बता भी नहीं सकती इसके बेनिफिट्स के बारे में, ये बहुत अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। आप जब इसको कुछ दिनों तक लगातार पियेंगे और जो आपके अंदर एक चेंज नजर आएगा वो आपको खुद नोटिसेबल होगा, आप खुद नोटिस करोगे, आपके आजू बाजू जो लोग हैं वो खुद आके आपको बताएंगे कि आपके अंदर कितने अच्छे चेंजेस आए हैं, आपके स्किन पे कितने अच्छा ग्लो आया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा मेरी आने वाली वीडियोस को देखने के लिए। मैं मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड your family. Bye-bye.